प्यारे बच्चों, आपका क्लास 8 की गणित की कक्षा में स्वागत है। आज हम फैक्टराइजेशन या गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने नंबर्स के गुणनखंड करना सीखा हुआ है, जैसे 30 के गुणनखंड या फैक्टर्स क्या होते हैं। तो आप 30 के गुणनखंड कर सकते हैं, जैसे 1 × 30 करेंगे तो ये 30 आता है, 2 × 15 30 होता है, 3 × 10 5 × 6, तो 30 के गुणनखंड हो गए 1, 2, 3, 5, 6, 10 और 30। ये सारे ही इसके गुणनखंड है। अगर हम सिर्फ 2, 3 और 5 की बात करें तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं, गुणनखंड या प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो हम 30 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में भी लिख सकते हैं। अभाज्य यानी जिन्हें और ज़्यादा तोड़ा ना जा सके। अब फैक्टराइजेशन हमने पढ़ना है, तो फैक्टराइजेशन क्या है ये हम पढ़ेंगे। बीजीय व्यंजक के संदर्भ में, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में गुणनखंड कैसे होते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह के हैं, जैसे आपको बता दूं मैं, ये एक बीजीय व्यंजक है, ये भी एक बीजीय व्यंजक है, ये भी एक बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये सारे बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गुणनखंड के रूप में हैं। अभी आपको पता नहीं चल रहा है, मैं एक और एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखता हूँ, 2x + 4 2x + 4। इसमें दो अलग अलग पद हैं, दो टर्म्स हैं, इसकी दो टर्म्स को मिलके ये व्यंजक बना है। इसमें पहली टर्म का गुणनखंड है 2 × x और 4 के गुणनखंड है 2 × 2। अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, 2 × 2, तब जो कॉमन है वो हमने बाहर लेना है। अब अंदर हमारे पास बच गया x प्लस, यहाँ से 2 चला गया 2 बच गया। तो ये बीजीय व्यंजक के, इस बीजीय व्यंजक को इन दो गुणनखंड के रूप में हमने व्यक्त कर दिया है। अब बीजीय व्यंजक में उसे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और ये एक ही पद बनता है, एक ही टर्म बनती है।